टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। आज मैच से पहले दोनों टीमों का जोश आए, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। टी20 विश्व कप में भारत का पलड़ा भारी, भारत के खिलाफ विश्व कप मुकाबलों में पाकिस्तान को जीत नसीब नहीं हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच से पहले दोनों कप्तानों का दावा, बेहतर क्रिकेट खेल जीतेंगे मैच। टीम इंडिया के कप्तान जीत को लेकर आश्वस्त, कहा हमारी टीम जीत के लिए तैयार, मैच को लेकर हमारी सोच पॉजिटिव। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने खेला माइंड गेम, कहा माहौल अलग है लेकिन विरोधी टीम के लिए कोई प्लानिंग नहीं। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने टीम इंडिया को बताया मजबूत, कहा भारत का पलड़ा भारी। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का बयान, पाकिस्तान के खिलाफ टीम अपना रिकॉर्ड और बेहतर करेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिले कप्तान बाबर आजम, इमरान खान ने 1992 विश्व कप में अपनी मानसिकता और अनुभव साझा किए। भारत पाकिस्तान के मैच के लिए राहुल चाहर के परिवार में उत्साह, अगर आज राहुल मैच खेलता है तो उसे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बेंगलुरु में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों में भारी उत्साह, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए, कहा भारत पाकिस्तान को फिर हराएगा। भारत पाक मैच को लेकर दिल्ली के युवा प्लेयर्स में दिखा भारी उत्साह, सभी ने कहा भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को हराएगा। कर्नाटक के कलबुर्गी में फैंस ने फोड़े नारियल, मंदिर में पूजा करके टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना की। सिलीगुड़ी के क्रिकेट ग्राउंड में ढोल लेकर पहुंचे फैंस, बढ़ाया टीम इंडिया का उत्साह, भारत की बड़ी जीत की दुआएं की। टीम इंडिया की जीत के लिए गाजियाबाद में किया गया हवन, तिरंगे के साथ की गई पूजा। लुधियाना में भी टीम इंडिया की जीत के लिए हुआ हवन, शुभकामनाएं देते हुए कहा फिर से जीतो इंडिया। मुंबई के मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए किया जा रहा है हवन, टीम इंडिया के जीतने तक लगातार चलता रहेगा यज्ञ। कल सिद्धार्थनगर जाएंगे पीएम मोदी, 9 मेडिकल कॉलेजेस का करेंगे उद्घाटन। कल वाराणसी भी जाएंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना करेंगे लॉन्च, 5200 करोड़ योजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 81वीं बार देशवासियों से की बातचीत, लोगों को वैक्सीनेशन की ऐतिहासिक सफलता पर दी बधाई। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है देश, वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है। पीएम मोदी ने कहा इस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जरूर जुड़े। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा का भी किया जिक्र, कहा 15 नवंबर को पूरे देश में मनाई जाएगी जयंती, बिरसा मुंडा ने संस्कृति, जंगल और जमीन के लिए किया संघर्ष। पीएम मोदी ने कहा भारत 1950 से लगातार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रहा है, गरीबी हटाने, जलवायु परिवर्तन के समाधान में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पिछले कुछ सालों में दुगुनी हुई महिला पुलिसकर्मियों की संख्या, पहले सेना और पुलिस में सिर्फ पुरुषों की भागीदारी होती थी। पीएम मोदी ने नई ड्रोन नीति का भी किया जिक्र, का पहले लाइसेंस और परमिशन के लिए झंझट होता था, इस माइंडसेट को बदलने के लिए नया ट्रेंड लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, कहा यूएन में हिंदी में संबोधन करके इतिहास रचा था। यूपी के सीएम योगी ने सुनी रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात, साथ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आए नजर। बिहार के पटना में लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात, बड़ी संख्या में मन की बात सुनती नजर आई महिला। 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, आईआईटी जम्मू के नए कैंपस का किया उद्घाटन। गृह मंत्री शाह ने प्रशासनिक विभागों के लिए बांटे नियुक्ति पत्र, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। जम्मू में बोले गृह मंत्री शाह, जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हुआ, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मैं 70 साल तक राज करने वाले 3 परिवारों से पूछता हूं कि आपने क्या दिया, इसका हिसाब लेकर आइए। सीरियस जनरल बिपिन रावत के बयान पर बोली महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर के हालातों से निपटने के लिए भारत सरकार के पास दमन ही एकमात्र तरीका, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक होने का दावा भी खोखला। अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं का साझा युद्ध अभ्यास, दोनों देशों के सैनिकों ने एक साथ किया योग, भारतीय योग ट्रेनर ने सिखाए 17 आसन। 25 से 28 अक्टूबर तक दूसरी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बॉर्डर पर मौजूदा और आने वाले सुरक्षा हालातों को लेकर होगी बात। नागपुर में इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, स्वामी रामदेव समेत कई और धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं ने लिया हिस्सा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। लोकमत समाचार पत्र समूह के नागपुर एडिशन की स्वर्ण जयंती पर हुई थी कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए वैश्विक चुनौतियों और भारत की भूमिका पर मंथन। स्वामी रामदेव ने कहा दुनिया में कई तरह के आतंकवाद, मजहबी, राजनीतिक, आर्थिक, मेडिकल, लेकिन धर्म तो एक ही होता है, मानवता का। ग्रेटर नोएडा में हुई आईटीबीपी की 60वीं राइजिंग डे परेड, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हुए शामिल। भदोही में सीएम योगी ने कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे स्वीकृति पत्र। सीएम योगी ने कहा पहले त्योहारों में खलल डालते थे दंगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर बोला करारा हमला, कहा पहले की सरकारों के लिए परिवार ही प्रदेश था, हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार में बिक रही है सरकारी संपत्तियां, बढ़ रही बेरोजगारी। तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ 14 से
29 नवंबर तक प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। देश भर में पदयात्रा निकालेंगे कांग्रेस के नेता। पंजाब कांग्रेस चीफ सिद्धू का ट्वीट, पंजाब की जनता का किया आह्वान, लिखा महान राज्य की समृद्धि को फिर से स्थापित करने का आखिरी मौका। नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, पंजाब को फिर से खड़ा करने के लिए स्वार्थ को अलग रखकर रोड मैप बनाना होगा, तभी जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत और जीतेगा हर पंजाबी। बीजेपी उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य का विवादित बयान, महिलाओं को 5 बजे के बाद थाने ना ले जाने की सलाह, अगर जाना ही पड़े तो अपने पति भाई या पिता के साथ ही जाएं थाने। आगरा में किसानों को हो रही है खाद की किल्लत, इस पर भी बोली बेबी रानी मौर्य। वाराणसी में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में बोल रही थी बीजेपी नेता। आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल से जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया, डेंगू के साथ आशीष का शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूटने पर बोले लालू यादव, क्या हारने के लिए देते कांग्रेस का साथ, जमानत जब्त करवाने के लिए उनका साथ देते। गोवा दौरे से पहले सीएम ममता बनर्जी का आह्वान, बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों को एकजुट होने की अपील। दिल्ली में अग्रवाल समाज के सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल, कोरोना संकट के दौरान मिला अग्रवाल समाज का साथ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, सीएम बदलने से नहीं बदलेगा जनता का मूड, सावंत सरकार से लोग नाखुश। मनीष सिसोदिया के बयान को बीजेपी ने खारिज किया, विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने का कोई प्लान नहीं। बिहार पंचायत चुनाव में 5वें चरण का मतदान, गया के वजीरगंज और फतेहपुर ब्लॉक में पोलिंग बूथ के बाहर दिखी लोगों की भीड़। पटना में चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस और मुखिया प्रत्याशी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, बल प्रयोग करने पर पुलिस वालों पर टूट पड़े गांव वाले। गांव वालों ने पुलिस पर पथराव भी किया, मौके पर फायरिंग की भी खबर, गोली लगने से एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। पथराव में थाना अध्यक्ष समेत करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी, घटना के बाद गांव में कई पुलिस थानों की पुलिसकर्मी तैनात। राम कदम और ने प्रभाकर और महाराष्ट्र सरकार में सांठगांठ होने का लगाया आरोप, का समीर वानखेड़े को जेल भेजने की धमकी के बाद ही क्यों बोला प्रभाकर, महाराष्ट्र सरकार दे जवाब। आर्यन खान मामले में आया नया मोड़, गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल का बड़ा आरोप, एनसीबी ने खाली कागज पर करवाए थे दस्तखत। प्रभाकर चहल ने हलफनामा देकर लगाया आरोप, कहा गोसावी को 25 करोड़ की डील की बात करते सुना था, गोसावी ने मुझे 50 लाख कैश कलेक्ट करने के लिए भेजा था। प्रभाकर ने कहा, मैंने गोसावी को शाहरुख की मैनेजर से बात करते देखा, मर्सिडीज कार में पूजा डडलानी और गोसावी की बात हुई। गवाह के बयान पर बोले संजय राउत, एनसीबी के खाली कागज पर साइन करवाने की बात से हैरान हूं, महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए रची जा रही साजिश। गवाह का बयान सामने आने के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी ट्वीट किया, कहा सत्य ही जीतेगा, सत्यमेव जयते। बीजेपी नेता राम कदम ने गवाह के बयान पर उठाए सवाल, कहा 22 दिन तक क्यों चुप रहा प्रभाकर, क्या उस पर कोई दबाव है। दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में महिलाओं के लिए आयोजित किया गया फुटबॉल मैच, महिलाओं को फुटबॉल में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। आज करवा चौथ, दिल्ली के हनुमान मंदिर के पास मेहंदी लगवाती नजर आई महिलाएं। मुंबई के अंधेरी के कुछ इलाकों में एनसीबी का सर्च ऑपरेशन, कल देर रात से तलाशी कर रही थी एनसीबी। गुजरात के राजकोट में 77 कलाकारों ने बनाई 125 रंगोलियां, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और अटैक फिल्म बाहुबली समेत कई तस्वीरें बनाई। उत्तराखंड के बागेश्वर में एसडीआरएफ ने अब तक 60 लोगों को बचाया, सुंदर धुंगा से में निकाले गए 5 शव। पंजाब के बठिंडा में कीड़ों की वजह से खराब हुई किसानों की कपास की फसल, किसानों की सरकार से अपील, 60,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मिले मुआवजा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी में गोला नदी पुल का निरीक्षण किया, भारी बारिश की वजह से पुल का एक हिस्सा हुआ था क्षतिग्रस्त। लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढकी नजर आए घर, सड़कें और गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अपने कंधे पर रखकर मिड डे मील के लिए राशन पहुंचा रहे हैं शिक्षक, हर रोज पार करते हैं 8 किलोमीटर का उबड़ खाबड़ रास्ता। सोनमर्ग ले रोड पर फंसी जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां, सड़क से बर्फ हटाकर गाड़ियों को रवाना किया गया। नागपुर में वैश्विक धर्म सम्मेलन, स्वामी रामदेव, श्री श्री रविशंकर हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। 28 अक्टूबर से कर्नाटक में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, 350 क्षेत्र के प्रचारक और सहयोगी संगठन के पदाधिकारी होंगे शामिल। पुलिस रिमांड के बीच लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को डेंगू हुआ, आज शाम 5 बजे खत्म होने वाली है पुलिस रिमांड। आशीष मिश्रा की आज कोर्ट में हो सकती है पेशी, पुलिस रिमांड खत्म होने से पहले जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आर्यन खान के बैंक खातों की एनसीबी जांच कर रही है, अनन्या पांडे का लैपटॉप और मोबाइल फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया। आर्यन खान के समर्थन में बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा शाहरुख का बेटा होने की वजह से किया जा रहा है प्रताड़ित। ईडी के समन को 4 बार टालने वाली जैकलीन फर्नांडिस की प्रवक्ता का दावा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस से बतौर गवाह पूछताछ की जा रही है। चुनावी मैदान में उतरे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय के अध्यक्ष पद के लिए आज सुबह 11 बजे है चुनाव। 29 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे कानून मंत्री किरण रिजिजू, सीमावर्ती इलाकों में लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता का जायजा लेंगे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, एक सफल लोकतंत्र के लिए मजबूत न्यायपालिका का होना जरूरी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा, न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा होना लोकतंत्र की मजबूती, किसी भी समाज में कोर्ट का होना जरूरी है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़े किए सवाल, कहा अदालतों का बेहतर बुनियादी ढांचा सिर्फ एक विचार है।
सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बयान, अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर पड़ सकता है। बिपिन रावत ने सीमाओं को सील करने की दी सलाह, कहा बाहर से आने जाने वालों पर रखनी होगी पैनी नजर। आज से 28 अक्टूबर तक नौसेना मनाएगी आजादी का अमृत महोत्सव, कोची से गोवा तक यॉट से रेसिंग होगी। सीएम खट्टर का फरमान, सभी सरकारी कर्मचारी पहनेंगे स्मार्ट वॉच, उसी से लगेगी अटेंडेंस और रखी जाएगी नजर। शोपियां के बाबापुरा इलाके में आतंकियों की फायरिंग, आतंकियों ने की एक और सिविलियन की हत्या, अक्टूबर में अब तक 13 सिविलियंस की हत्या। पुंछ के भाटा धुरियन में सेना का ऑपरेशन, आतंकियों की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी और 1 सेना का जवान घायल। आतंकी ठिकानों की पहचान के लिए लश्कर के आतंकी जिया मुस्तफा को साथ लेकर गई पुलिस, आतंकियों की गोलीबारी में मुस्तफा हुआ घायल। आज छठे दिन भी बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में डीजल 96 के पार, पेट्रोल 107 रुपए प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, लगातार 5वें दिन आज फिर 35 पैसे प्रति लीटर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए 59 पैसे, डीजल 96 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पहुंचा, जबकि मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए 46 पैसे और डीजल 104 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 108 के पार, डीजल 100 के करीब पहुंचा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली के नेशनल पुलिस मेमोरियल से अमृत दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ अगरतला में प्रदर्शन, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने अनुपमा केस की जांच का आदेश दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी। वीना जॉर्ज ने कहा अनुपमा की मांग और केस की मौजूदा स्थिति की जानकारी कोर्ट को देगी केरल सरकार। ड्रग्स केस पर बोले योग गुरु रामदेव, बॉलीवुड में नशे का ग्लैमराइजेशन युवाओं के लिए खतरनाक। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत बढ़ाई, 1 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगा सुकेश। बागपत पुलिस की समाधान दिवस के अवसर पर बड़ी पहल, 72 में से 38 शिकायतों को मौके पर ही निपटाया। बिजनौर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक व्यक्ति गिरफ्तार, तमंचे हथियार बनाने वाले सामान बरामद। रामपुर में अपराधियों की खैर नहीं, पुलिस ने अभियान चलाकर 8 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चांदापुर में पुलिस ने 74 अपराधियों को पकड़ा, अवैध शराब और हथियार मिले। लखनऊ पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की गाड़ी और 84 बोरा सुपारी बरामद। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी, संभल में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पकड़ा गया। अयोध्या के मवई में 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, बाइक मोबाइल अवैध हथियार बरामद। महाराजगंज में पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में तेजी से बढ़े डेंगू के मामले, एक दिन में 7 नए केसेस सामने आए। लाहौल स्पीति से रेस्क्यू किए गए 59 टूरिस्ट, घरों के लिए रवाना, ट्रेकिंग के दौरान फंस गए थे। हैदराबाद पुलिस की शी टीम ने मनाई 7वीं एनिवर्सरी, महिला अपराधों के लिए बनाई गई है टीम। शी टीम से महिला अपराधों में आई कमी, हैदराबाद के सीपी ने शिकायत करने वाली महिलाओं को दिया कामयाबी का श्रेय। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आईटीबीपी जवानों ने 2 और शव बरामद किए, 15,000 फीट की ऊंचाई पर मिली 2 ट्रैकर्स की डेड बॉडी। दिल्ली में डस्ट पोल्यूशन रोकने के लिए ईडीएमसी का फैसला, 47 से ज्यादा वेस्ट डंपिंग साइट्स बंद। श्री रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट किए जाने का किया स्वागत। कर्नाटक के बेलगावी में महिला की ब्लैक फंगस से मौत, पति ने 4 बच्चों के साथ खुदकुशी की। दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल पर बीएसएफ का खास समारोह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी हुए शामिल। कार्यक्रम के दौरान बीएसएफ के बाइकर्स ने निकाली बाइक रैली, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी दिखाई हरी झंडी। ओडिशा में बीजेपी महिला वेंका नवीन निवास पर प्रदर्शन, टीचर हत्याकांड में मंत्री दिव्यशंकर मिश्रा का मांगा इस्तीफा। भारी बारिश से जम्मू के कई इलाके पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सड़कों पर पानी भरने की वजह से आवाजाही पर भी असर, जनजीवन बेहाल। जम्मू में बारिश के साथ साथ ओले गिरने से फसलें बर्बाद हुई, किसानों ने मुआवजे की मांग की। किसानों के समर्थन में फिर बोले बीजेपी सांसद वरुण गांधी, कहा सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में बनेगा पंजाब में स्पोर्ट्स स्टेडियम, सीएम चन्नी ने दिए 1 करोड़ रुपए। सिंघू बॉर्डर पर एक दलित की हत्या मामले में गिरफ्तार 4 निहंगों की कोर्ट ने पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ाई। गाजीपुर बॉर्डर खाली करने पर राकेश टिकैत ने कहा 11 महीने लेट हो गए दिल्ली जाने में, रास्ते में डकैत गुंडों ने रोका तो पड़ाव डालना पड़ा। लखीमपुर हिंसा में शामिल 3 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 13 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के खिलाफ क्रांतिकारी युवा संगठन का प्रदर्शन, एसएचओ को बर्खास्त करने की मांग। नवी मुंबई में कलमबोली स्टेशन के पास एक तेल टैंकर ट्रक में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे फायर फाइटर, आग पर पाया काबू। थाने के उल्लासनगर में बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से गिरी कंक्रीट स्लैब, एक शख्स की मौत, 2 घायल। यूपी के गोरखपुर में पुलिस पेट्रोलिंग की टीम पर हमला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 हुए फरार। फर्जी पास से संसद भवन में घुसने की कोशिश, बिहार के खनन मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी समेत 2 लोग गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने गोपालगंज से की गिरफ्तारी। पुणे में गांजा की खेती पर पुलिस की रेड, खेती करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस की रेड में खेत में मिला गांजे के 250 पौधे, दोनों आरोपियों के घर की तलाशी में भी 18 किलो गांजा बरामद। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने 26 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेजा। असम के एक शख्स ने भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति पर पैर के साथ तस्वीर साझा की, गिरफ्तार किया गया।
दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में इवेंट मैनेजमेंट की युवती की हत्या के विरोध में परिवार ने निकाला कैंडल मार्च। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। बुराड़ी में युवक ने पत्नी की हत्या की। शराब पीने पर डांटने से नाराज पति ने पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या की। जोधपुर में पटवारी परीक्षा का पेपर लीक कराने के नाम पर धोखाधड़ी। एक महिला समेत 6 गिरफ्तार। मुंबई के नजदीक थाने में ड्रग्स लेने के आरोप में 140 लोग गिरफ्तार। एंटी ड्रग्स ड्राइव में पकड़े गए। थाने पुलिस ने मुमरा में 3 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार। 8,00,000 रुपए से ज्यादा कीमत का गांजा बरामद। देश में कोरोना के 15,906 नए मामले। 24 घंटे में 561 लोगों की मौत। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, पिछले साल कोरोना के चलते डेंगू के मामले कम हुए थे, इस साल 2019 के बराबर मामले। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 50,000 रुपए, योगी सरकार का ऐलान। देश में 100 करोड़ से ज्यादा एंटी कोविड वैक्सीनेशन पूरा होने पर जुटे लोग, मोदी मास्क पहनकर पीएम मोदी का किया धन्यवाद। त्योहार के सीजन को लेकर केंद्र सरकार की नई एडवाइजरी, ऑनलाइन करें शॉपिंग, बेवजह यात्रा से बचें। करवा चौथ पर शिमला के बाजारों में भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन। करवा चौथ पर बाजार हुए गुलजार, दिल्ली के सरोजी नगर मार्केट में भारी भीड़। करवा चौथ पर दिल्ली के चांदनी चौक में जुटे खरीदार, ज्वेलरी दुकानों में जमकर भीड़। मेहंदी लगवाने खरीदारी करने के लिए बाजार में महिलाओं की भीड़, कोरोना का खतरा भी बढ़ा। नोएडा के बाजारों में करवा चौथ पर उमड़ी भीड़, मेहंदी लगवाने के लिए जुटी महिलाएं। जयपुर में प्री करवा चौथ पर खास कार्यक्रम, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। जयपुर में दिवाली से पहले गाय के गोबर से बने दीयों की मांग भी बढ़ी, दिया बनाने वालों में खुशी की लहर। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दी करवा चौथ की बधाई, महिलाओं के साथ मेहंदी उत्सव में शामिल हुई। करवा चौथ पर लखनऊ के बाजारों में भीड़, खरीदारी के लिए उमड़े लोग। ओमाइगॉड 2 में भगवान शिव के अवतार में नजर आएंगे अक्षय कुमार। फर्स्ट लुक शेयर करके बोले हर हर महादेव। अपनी माँ और बच्चों के साथ अलीबाग में छुट्टी मनाने निकली शिल्पा शेट्टी, परिवार के साथ नहीं दिखाई दिए राजकुंद्रा। हॉलीवुड एक्टर विन डीजल ने निभाई दोस्ती। फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म के दिवंगत एक्टर पॉल वॉकर की बेटी की शादी में निभाया पिता का फर्ज। 94वें अकेडमी अवार्ड के लिए भेजी गई तमिल फिल्म कुंजगल। 14 फिल्मों को पछाड़ कर बनाई जगह, पिता और बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्म। सुपरहिट गुजराती नाटक पर आधारित है फिल्म कंजूस मक्खी चूस। कुणाल खेमू और श्वेता त्रिपाठी कर रहे हैं फिल्म की शूटिंग। वेब सीरीज मुंबई डायरीज का आएगा नया सीजन। 2005 में मुंबई में आई बाढ़ पर बन सकती है नई सीरीज। जन्मदिन पर प्रभास ने दिया फैंस को रिटर्न गिफ्ट। फिल्म राधे श्याम का टीजर शेयर किया। 14 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। साउथ की एक्ट्रेस समंथा ने पूरी की चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद पूरा हुआ ट्रिप। मशहूर एक्टर महमूद की बहन अभिनेत्री मीनू मुमताज का कनाडा में निधन। गंभीर बीमारी से जूझ रही थी मीनू मुमताज। सलमान खान ने शेयर किया अंतिम का नया पोस्टर। राजवीर सिंह के रूप में खुद को किया इंट्रोड्यूस। भारत पाकिस्तान मैच के पहले ही दुबई से मुंबई लॉचिंग कटरीना कैफ। मैच के दौरान दुबई में सूर्यवंशी का प्रमोशन करने की खबर थी। तालिबान की क्रूरता की वजह से अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हजारों लोग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। एक दबंग शख्स डंडे से बेरहमी से पीटता नजर आया। आरोप संत कबीर नगर के विधायक के भाई पर लगा। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक पार्टी नेताओं से ही मारपीट करने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांस्टेबल ने बाढ़ के पानी में डूब रहे 3 बच्चों की जान बचाई। सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ। मेक्सिको में 2,000 से ज्यादा प्रवासियों ने निकाला मार्च। कई दिनों से शहर में फंसे थे सभी लोग। हाईवे पर पुलिस ने प्रवासियों को रोकने की कोशिश की। प्रवासियों और पुलिस में हुई झड़प। अफगानिस्तान बॉर्डर पर तजाकिस्तान और रूस की सेनाओं का युद्धाभ्यास जारी। बाहरी खतरे से निपटने की तैयारी। युद्धाभ्यास में 5,000 जवान शामिल। 700 गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स भी ले रहे हैं हिस्सा। अफगानिस्तान में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही बेरोजगारी। परिवार के भरण पोषण के लिए लोग बेच रहे घरों का सामान। अफगानिस्तान के बहसूद कस्बे के में तालिबान की गाड़ी पर हमला। बम धमाके में बाल बाल बचे तालिबानी। 2 नागरिकों की मौत। पूर्वी स्पेन में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, कई मकानों को नुकसान। बाढ़ के पानी में फंसी नजर आई कई गाड़ियां। बिगड़ते हालात को देखते हुए बंद किए गए प्राइमरी स्कूल। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कोरोना के 1,750 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। न्यू साउथ वेल्स में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत। 332 नए केस आए। प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील की। स्पेन के लापालमा में ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा लावा, सामने आई नई तस्वीरें। वैज्ञानिकों के मुताबिक 3 महीने तक ज्वालामुखी से निकल सकता है लावा। अब तक 7,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर। भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस में मिली बड़ी जिम्मेदारी, स्टाफ सेक्रेटरी बनी। ईरान के गवर्नर को एक शख्स ने जड़ा थप्पड़। बीवी को मेल नर्स से लगी वैक्सीन से नाराज था शख्स। इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी हुआ सक्रिय, धुएं के साथ निकला लावा। रियो डी जेनेरियो के समुद्री तटों पर लौटी रौनक। करीब 2 साल के बाद पहुंचने लगे पर्यटक। पर्यटकों की बढ़ती संख्या देख बीच पर दुकान लगाने वालों में खुशी की लहर। पाबंदी हटने के बाद व्यवसाय सुधरने की उम्मीद। सर्बिया ने 10 बजे के बाद इंडोर कैफे और रेस्टोरेंट में जाने के लिए दिखाना होगा कोविड पास, वैक्सीनेशन और नेगेटिव रिपोर्ट का प्रूफ होगा पास। इक्वाडोर के ओलंपिक स्प्रिंटर एलेक्स क्विनोनेज की गोली मारकर हत्या। अज्ञात शख्स ने रात करीब 9 बजे पीछे सड़क पर मारी गोली। पिकासो की 11 पेंटिंग्स की नीलामी हुई। 3.5 करोड़ मिलियन डॉलर में बिकी पेंटिंग्स। साउथ कोरिया के सियोल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत। उत्तर कोरिया के साथ परमाणु वार्ता का रास्ता फिर से खोलने पर जोर। न्यूजर्सी के गवर्नर
फिल मर्फी के समर्थन में उतरे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, कहा मर्फी ने न्यूजर्सी के लिए उठाए कई अहम कदम। तुर्की ने अमेरिका फ्रांस समेत 10 देशों के राजदूतों को देश से निकाला, सामाजिक कार्यकर्ता उस्मान कवला के समर्थन का आरोप। इसराइल का वेस्ट बैंक में 3000 सेटलमेंट होम बनाने का प्लान, अगले हफ्ते इस योजना पर मंजूरी के लिए होगी बैठक। विकिलीक्स के जूलियन असांजे के समर्थन में लंदन में सड़कों पर उतरे लोग, अमेरिका को प्रत्यर्पण किए जाने पर सुनवाई से पहले प्रदर्शन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।